हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ सीटैट साइंस पेपर 2 का एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे शुरू किया था और आज है हमारा डे 12 और मैं उम्मीद करूँगी कि इससे पहले वाले सेशंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ साउंड यानी कि ध्वनि इस चैप्टर को यहाँ पे शुरू करूँगी। और अगर आप इस सेशन में स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपके जो कंटेंट का कवरेज है वो इस तरीके से रखा जाए कि आपके प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएं। और साथ ही साथ अगर आप इस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो ये क्लासेस हैं आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपको देखने को मिलेंगी। क्लासेस की जो लिंक होती है मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पिन कर दिया है, आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और साउंड यानी कि ध्वनि जो चैप्टर है ये एक फिजिक्स का चैप्टर है। और अगर हम इस चैप्टर का ओवरऑल गिस्ट देखें तो इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, तो दोनों तरीके से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। और अगर मैं साउंड की बात करूँ कि साउंड यानी कि ध्वनि क्या है, तो देखिए साउंड जो है ये एक तरीके से एनर्जी का एक फॉर्म माना जाता है जो कि हम किसी भी चीज़ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन यानी कि कंपन हो जाए, अगर जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हो जाती हैं यानी कि ऐसे सभी वस्तु जो कि कंपन कर सकती हैं वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। आपकी एनसीईआरटी में ये जो साउंड चैप्टर है, ध्वनि का ये जो चैप्टर है, वो इसी तरीके से शुरू किया गया कि साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो साउंड जो है वो ऐसी वस्तुएं जो कि कंपन कर सकती हैं, जो कि वाइब्रेशन कर सकती हैं, वो आपका प्रोड्यूस करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा सेलफोन होता है। हम अगर फोन को वाइब्रेशन मोड पे अपने साइड में रख दें तो हम लोगों को वाइब्रेट होता हुआ हमें फील हो जाएगा। अगर हम उसे साइलेंट मोड पे रखते हैं तो हमारे साइड में वो फ़ोन रखा है पर अगर हम उसे नहीं देख रहे तो हमें पता नहीं चलेगा कि फ़ोन आ रहा है नहीं आ रहा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर पाती हैं वे सभी क्या करती हैं, वो सभी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब देखिए इस चैप्टर की अगर हम स्टार्टिंग करें तो ये चैप्टर स्टार्ट इस तरीके से होता है कि साउंड जो है, साउंड वेव जो है वो ट्रैवल कैसे करती है। तो इसके लिए एक बेसिक हम ये चीज़ देखेंगे कि जो साउंड वेव है वो बनी कैसे है। तो देखिए हमारी जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वे दो तरीके की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्सल और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि यहाँ पे जो हिंदी के टर्म्स हैं मुझे बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप मैनेज कर दीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स वे मैं साथ में यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा आप कॉपरेट कीजिए, बाकी क्लासेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि टर्म्स जो हैं, अगर मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस समझना है। तो देखिए अगर आप इनके वेव्स का पैटर्न देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर होंगी। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, अगर मैं ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं हिट करती हूँ तो होगा क्या, अब मैं आपको साउंड वेव के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मैं इस मार्कर को आगे की तरफ हिट कर रही हूँ तो ये मार्कर आगे की तरफ जा रहा है और इस केस में ये माना गया है कि ये जब आगे की तरफ जाएगा तो इसके आगे के जो एयर के पार्टिकल होंगे वो उसको दबा देता है, तो वो जो एरिया बनता है वह बनता है कंप्रेशन, जिसमें एयर के पार्टिकल करीब आ जाते हैं। उसके बाद देखिए अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि अगर ये साउंड वेव है तो ये कंपन करेगा। वाइब्रेशन का मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये आगे आगे जाएगा, वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि आगे पीछे इस तरीके से मूव करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो यही ऑब्जेक्ट आपका पीछे भी आएगा और जब ये ऑब्जेक्ट पीछे को आएगा तो इसके आगे के जो एयर पार्टिकल दब गए थे वो खुल जाएंगे, यानी कि यहां पे बन जाएगा रेयरफेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो साउंड वेव है, जो ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, ये जब आगे की तरफ ट्रैवल करती है यानी कि आगे की तरफ प्रोपगेट करती हैं तो लगातार इसके में वाइब्रेशन होने की वजह से ये आगे पीछे जाती हैं, जिसकी वजह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाती है। यानी कि कुछ एरिया में आपको दिखेगा कि ये जो वेव्स हैं ये काफ़ी पास होंगी और कुछ एरिया में वेव्स जो हैं वो दूर होंगी। तो इस तरीके से जो वेव्स आपकी होती है इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है, ये आपका है साउंड वेव। आई होप इतना आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरा टाइप देखें, यह है ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव का एग्जांपल जो होता है ये आपका होता है लाइट वेव। अब देखिए लाइट वेव जब ट्रैवल करती है तो ये कॉन्सिक्यूटिव क्या बनाती है, क्रस्ट और ट्रफ बनाती है। जो ऊपर की तरफ वेव होती है हाइएस्ट पॉइंट पर, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं और जो नीचे की तरफ ये पॉइंट होता है इसको हम ट्रफ
ऑफ बोलते हैं। तो बेसिकली आपका चैप्टर क्या है, आपका चैप्टर है साउंड के बारे में। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है कंप्रेशन, क्या है रेयरफ्रेशन। कंप्रेशन में एयर पार्टिकल दब जाते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर एरिया इसको कहते हैं। और रेयरफ्रेशन जो होता है वो लो प्रेशर एरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो वेव्स हैं वो थोड़ा आपको दूर दिखाई पड़ेंगे। आई होप इतना ये एरिया आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके अलावा मैंने आपके सामने तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट लिखे हैं, इनके वाइब्रेटिंग एरिया आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि ड्रम में ऐसा क्या होता है जो वाइब्रेट करता है। तो देखिए, ड्रम के ऊपर एक जो लेयर लगी होती है उसको हम हिट करते हैं, तो ड्रम के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वे आपका वाइब्रेट करती है, और जब वो वाइब्रेट करती है तो उससे आवाज़ निकलती है। इसके अलावा अगर मैं गिटार में पूछूँ तो गिटार में आपको पता है स्ट्रिंग्स होते हैं, जो तार होते हैं उसको अगर हम हिलाते हैं तो उनमें वाइब्रेशन, उनमें कंपन की वजह से क्या होता है, उनमें यहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं फ्लूट यानी कि बांसुरी की बात करूँ तो फ्लूट आपको दिखने में इस तरीके से लगेगी, इस तरीके से यहाँ पे आपको छेद देखने को मिलेंगे। तो ये जो एयर कॉलम होते हैं इनमें से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। और आप कहेंगे कि इन चीज़ों को यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी जब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके अलावा देखिए, जब हम साउंड की बात करें और ह्यूमन बींग की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ह्यूमन बींग में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये डायग्राम थोड़ा सा मैंने इस तरीके से बना दिया है। अब अगर आप ह्यूमन बींग की बात करें और पूछें कि कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आपका आंसर होगा हमारे जो गले के यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ पे जो अगर आप टच भी करेंगे बोलते हुए तो आपको एक तरीके से वाइब्रेशन सा फील होगा, आप टच करके देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं, लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से साउंड जो है ये प्रोड्यूस होती है। अब ये साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम लोग सांस भी ले रहे हैं, तो हमारी जो एयर है हमारे विंड पाइप में एंटर कर रही है। तो इसी जगह पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं, ये रहे आपके वोकल कॉर्ड। अब जब हवा यहाँ से जा रही है तो ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं, ये खिंच जाते हैं, और इनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपन यानी कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और हमारे गले से आवाज़ निकलती है। तो बेसिकली जब एयर जो है अंदर की तरफ पास होता है तो ये वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच कर देता है, खींच देता है, और वोकल कॉर्ड जब स्ट्रेच होते हैं और जब ये हिलते हैं तब यहाँ पे हमें साउंड प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देती है हमारे गले से। मैं उम्मीद करूंगी कि इतना जो सेगमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले साउंड जो है कौन से ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं जो कि कंपन कर पाए, जो कि वाइब्रेशन कर पाए। हमारी वेव्स कितने तरीके की होती हैं, दो, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल को आपको बहुत अच्छे से समझना है, जिसके लिए मैंने ये मार्कर वाली एक्टिविटी आपको करके दिखाई कि अगर मैं इसको हिट करूंगी कि तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा तो सिंपल सी बात है हमें दिख नहीं रहा, बट आसपास एयर तो होगी। अगर आगे जाएगा तो इसके आगे जो एयर थी उसको दबाएगा तो हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा और वेव्स आपके पास आ जाएंगी। तो ये कंप्रेशन को दिखाता है जिसमें प्रेशर जो हो ज़्यादा होता है। अब अगर ये कंपन कर रहा है तो सिर्फ आगे थोड़ी जाएगा, ये आगे के साथ पीछे भी जाएगा। अगर ये पीछे जाएगा तो उस एरिया को खोल देगा और एयर पार्टिकल दूर हो जाएंगे, तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बनता है जिसे रेयरफ्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन और रेयरफ्रेशन साउंड वेव में आपका बनता है, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या है, लाइट वेव है। इसके अलावा मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट के वाइब्रेटिंग एरिया आपको बताया और साथ में ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है ये हमने डिस्कस किया। अब चलिए आगे कुछ और कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम इन टॉपिक के प्रीवियस ईयर करेंगे। इस चैप्टर को भी मैं दो पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि आपको ह्यूमन ईयर, इसके अलावा यहाँ पे कई न्यूमेरिकल्स जो हैं इस चैप्टर के डिस्कस करने हैं, जो कि मैं सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगी। अभी इस पार्ट का जो बेसिक कोर है वो डिस्कस करते हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि साउंड यानी कि ध्वनि को अगर ट्रैवल करना है तो उसे कौन से माध्यम की, कौन से मीडियम की जरूरत होती है, या फिर हम ये कह लीजिए कि साउंड जो है किस तरीके से ट्रैवल करता है, इसको जरा डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बेल जार की इस एक्टिविटी को समझने वाले हैं, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, ध्वनि को आगमन करने के लिए इसको किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, इस
बेल जार एक्टिविटी के अंदर एक जार ले लिया गया और इस जार के अंदर यहाँ पे क्या किया गया, एक यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक बेल को रख दिया गया, यानी कि आप एक क्लॉक मान के चलिए कि इस क्लॉक को इसके अंदर रखा गया है, एक घड़ी रखी है। अब यहाँ पे हमने इस बेल जार को रखा तो है, इस जार के नीचे से हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया। अब वैक्यूम पंप क्या करेगा कि जार के अंदर जितनी भी हवा होगी धीरे धीरे उसे निकालता रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत में ये जो बेल लगा रखी है इसकी घंटी हम बाहर ले रहे हैं और इसको हम अगर यहाँ से बजा रहे हैं तो हमें इस बेल की आवाज़ पूरी सुनाई दे रही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हर दो दो मिनट में हम इस जो जार है इसकी क्या कर रहे हैं, हवा को यहाँ पे वैक्यूम पंप से निकालते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हमें ऑब्जर्व हो रहा है, हमें ये अवलोकन मिल रहा है कि जो बेल की आवाज़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो बेल की आवाज़ पहले तेज़ सुनाई दे रही थी वो धीरे 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 कम सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जैसे जैसे हम वैक्यूम पंप से इस जार की हवा निकालते जाएंगे वैसे वैसे बेल की आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। हालांकि ये बेल अभी भी बज रही है बट ये हमें सुनाई नहीं पड़ रही। तो हम लोग इस चीज को कंक्लूड करेंगे कि जो हमारा साउंड होता है, जो हमारी ध्वनि होती है, ये कभी भी हमारे वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती। यानी कि ऐसी जगह जहां पर कोई भी मीडियम ना हो वहां पर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी और इस बेल जार एक्टिविटी से इस चीज को प्रूव किया गया। अब हमें पता है कि हमारे आसपास मेन तीन तरीके के मीडियम होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, यानी कि ठोस और इसके अलावा तरल और गैस। अब इसमें अगर हम देखें, कंपेयर करें कि साउंड किस में ज्यादा तेज आपका ट्रैवल करती है, तो देखिए जो सॉलिड होते हैं इसके पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं और इसके मॉलिक्यूल्स जो है काफ़ी क्लोज होने की वजह से ये साउंड को जल्दी ट्रैवल कराने में मदद करती है। और अगर हम तरल पदार्थ की बात करें, अगर हम लिक्विड मटेरियल की बात करें, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के अगर हम तुलना में देखें तो थोड़े से दूर होते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर होते हैं, इस वजह से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो सॉलिड होता है यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उससे जो साउंड है वो आपका जल्दी प्रोड्यूस होती है। ये चीज आप करके भी देख सकते हैं, अगर हम एक वुडन टेबल में अपने हाथ को हिट करेंगे हमें काफी तेज आवाज सुनाई देगी। अगर हम पानी में अगर हम हाथ फैलाते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है पर सॉलिड के कंपैरिजन उतना नहीं सुनाई देती। अगर हम गैस में अपना हाथ फैलाएं, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपने हाथ जो मूव कर रही हूँ, मेरे हाथ के आसपास गैस होगी और गैस में मेरा हाथ आगे पीछे मूव करने से आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखिए स्टिक को अगर आप बहुत तेज यानी कि किसी छड़ी को अगर आप बहुत तेज हिट करोगे तो उसमें से भी आवाज़ आएगी, बट हम यहाँ पे अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैस को कंपेयर करते हैं तो सॉलिड में जो है आवाज़ सबसे तेज सुनाई देती है, फिर लिक्विड और फिर गैस। यहां पर एक चीज आपको क्लियर हुई कि जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होगा, जैसे कि जहां वैक्यूम होगा, यानी कि इस जार के अंदर से जितनी भी हवा थी हमने वो निकाल दी और उसके बाद इस बेल को बजाया, तो बेल बज जरूर रही थी पर हमें सुनाई नहीं पड़ रही थी, यानी कि ये प्रोपेगेट नहीं कर रही थी, ये ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स देखने होंगे, तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके आपको साउंड वेव के जो कैरेक्टर हैं, जो उसके गुण हैं, उसको समझना है, जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी क्योंकि उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी देखिए यहां पर हम लोग एक और टॉपिक करते हैं, जब आप साउंड की बात करते हो तो साउंड से रिलेटेड हमें ह्यूमन ईयर भी पढ़ना होता है। अब अगर आप ह्यूमन ईयर पढ़ते हो तो ह्यूमन ईयर के अंदर आप लोगों को रेंज भी पता होना चाहिए कि हमारे जो कान होते हैं वो कितना ऑडिबल रेंज सुन पाते हैं। तो देखिए यहां पर ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है और आपको बेसिक आपको पता भी होना चाहिए कि ह्यूमन ईयर जो है उनका ऑडिबल रेंज जो है वो क्या है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो कई बारी ये 20,000 इस तरीके से भी लिखा सकता है, आप लोग इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक सवाल ये बनता है कि क्या इस रेंज के बाहर और इस रेंज के ऊपर कोई यहाँ पे रेंज नहीं है, तो यहाँ पर आपको इतना पता चलेगा कि जो 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से कम की रेंज होती है वो इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासाउंड कहलाती है, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जो आवाज़ होती है उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो कि कई सारे मेडिकल पर्पस वगैरह में भी यूज़ होती है। ये आपने सुना भी होगा कि हम अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं तो ये अल्ट्रासोनिक वेव को ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके
की मदद से कई सारे कार इंजन इनको क्लीन किया जाता है। इसके अलावा इंफ्रासाउंड जो है, इससे वेल्स जो है वो आपस में बात करती हैं। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि जब अर्थक्विक आता है तो सबसे पहले जो होता है जानवरों को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थक्विक की जो स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका इंफ्रासाउंड कहलाती है। और ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है ये जानवर सुन लेते हैं। इसी वजह से डॉग हो गए, फिश वगैरह हो गए, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि 20 हर्ट्ज़ से कम, 20 हर्ट्ज़ से कम के रेंज को क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड बोलते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की जो रेंज होगी उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने आज के सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि ये सेशन में दो पार्ट में लूँगी। अब ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें थी वो सारी हमने कवर कर ली। अब मैं आप लोगों के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपको साउंड वेव के पता होने चाहिए, जिससे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके अलावा ह्यूमन ईयर, जो कि एक मेन टॉपिक है। आप देखिए, ह्यूमन ईयर के लिए पूरा ह्यूमन ईयर मैं यहाँ पर बना नहीं सकती, तो वो मैं आपको स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट सेशन में, जो कि डे 13 आएगा। अब चलिए, मैं इस सेशन के आप लोगों के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि हमारा ये सेशन यहाँ पर कंबाइल हो। आई होप इससे पहले वाले जो सेशन है डे 11 तक आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। मैथ्स पेपर 2 का सेशन भी मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है, ताकि आप लोगों के साइंस के एक ओवरऑल तैयारी हो जाए। साइंस मैथ्स के बिना अधूरा है और मैथ्स साइंस के बिना अधूरा है, अगर हम सीटेट एग्जाम की बात करें, क्योंकि 30-30 मार्क्स का आपको दोनों सेगमेंट यहाँ पे करने होते हैं। अब चलिए, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को क्लासेस की सारी अपडेट वहाँ पे मिल जाती है। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट जो है पिन फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि स्क्रीन में आपके शो होंगे। अब मैं आपके साथ साउंड चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि अभी हमने जिस टॉपिक को कवर किया उस टॉपिक पे बेस्ड है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत कथन को हमें चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को पहला पॉइंट बोल रखा है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, यानी कि जो ध्वनि है ये किससे गमन कर सकती है, ये वैक्यूम से भी गमन कर सकती है। और अभी मैंने इस एक्टिविटी को आपके साथ डिस्कस किया था कि जो साउंड है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, यानी कि इसको गमन करने के लिए, इसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत दे रखा है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अब इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारे ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रखा है हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि कंपन का जो आवर्तन है अगर वो उच्च होगा तो उसकी पिच भी हाई होगी। इस पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं तब मैं आपके साथ सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करूँगी। तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, हालाँकि ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि ऑल वाइब्रेटिंग मोशंस आर ऑसिलेशन, यानी कि सभी जो वाइब्रेटिंग जो मोशंस होती हैं वे आपकी क्या होती हैं, वे आपकी दोलन होती है, वे आपकी ऑसिलेशन होती है, वे सही है इसके, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन करती हैं। इसके अलावा जो फ्लूट होता है, जो हमारी बांसुरी होती है, उसमें जो एयर कॉलम होता है उससे वाइब्रेशन होता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्योंकि बी सी और डी यहाँ पर सही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी मैक्सिमम, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में वायु में जो ध्वनि का चलन है ये क्या होगा, ये अधिकतम देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है स्पीड, फिर होता है लिक्विड में, और फिर होता है गैस में। तो देखिए, गैस में वैसे तो सबसे कम होता है, पर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम देखने को मिलता है, इस पॉइंट को आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि जो मोस्ट एयर जो कि 40 डिग्री सेल्सियस में जब होता है, तब यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो एयर में मैक्सिमम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव, यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं इस
से संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है। अब सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है साउंड वेव ट्रैवल फास्टेस्ट इन गैसेस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट मैंने क्लियर किया कि साउंड वेव जो है वो सॉलिड यानी कि जो ठोस यहाँ पे अवस्था होती है उसमें सबसे तेज ये गमन करते हैं, तो ये गलत है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन में है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो साउंड वेव को यहाँ पे 15,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, यानी कि इसके रेंज की बात की गई है। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि 20 हर्ट्ज से यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला वाला तो गलत था। इसके अलावा है साउंड वेव कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड। साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करते हुए आप लोगों ने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि हम आवाज़ मारते हैं, हमारी आवाज़ हमें गूंज के सुनाई देती है, जो गूंज के सुनाई देती है वो रिफ्लेक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो ये गलत होगा। अब अगले ऑप्शन में है कि लाउडनेस ऑफ साउंड, कि साउंड की जो लाउडनेस है, ध्वनि की जो लाउडनेस है वो यहाँ आवर्तन पर, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जो कि गलत है। ये इसके आयाम पे डिपेंड करती है, आयाम यानी कि इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, और ये पॉइंट भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव वहाँ पर कवर करने वाली हूँ। तो आपको दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए, जो हमारी पिच होती है हमारी आवाज़ की ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ये आवर्तन पर निर्भर करती, आवृत्ति पर निर्भर करती है, और जो लाउडनेस होगी हमारी आवाज़ की वो हमारे एम्पलीट्यूड पर निर्भर करेगी। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है, सी स्टेटमेंट गलत है और ए स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से ये पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दे रखा है। लास्ट से पढ़ते हैं, लास्ट में बोल रखा है स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि ध्वनि की जो गति है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जितना डेंस होगा यानी कि सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होगी, लिक्विड में कम, गैस में कम, ये वाला ऑप्शन सही दे रखा है। क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है तो ये नहीं होगा। इसके अलावा अगले ऑप्शन में है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है हॉट एयर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर। अगर आप देखें गर्म हवा की जो ध्वनि की गति है वे कमरे के तापमान से ज़्यादा, इसकी अपेक्षा जो गर्म हवा होती है उसमें ज़्यादा होती है, ये सही है, इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं मानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम एक वॉयलिन एक फ्लूट में साउंड प्ले करें तो ये आपका सेम स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी सेम टाइम में, तो क्योंकि इनके जो वाइब्रेटिंग सरफेस है वो सेम होते हैं कॉलम, तो इस वजह से एयर कॉलम, तो ये भी आपका सही होगा। इस ऑप्शन को भी हम गलत मानेंगे क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन। यहाँ पे बोल रखा है सेम इंटेंसिटी वाली दो वेव, उनका सेम आपका लाउडनेस होगी, तो ये नहीं है। लाउडनेस जो होगा इंटेंसिटी पे नहीं एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अभी हमें और क्वेश्चंस करने हैं साउंड चैप्टर के, क्योंकि अभी हमने लिमिटेड कंटेंट यहाँ पे कवर किया है, तो लिमिटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए। आज के सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में। इससे पहले वाले सेशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो वाले सेशंस भी आप देख लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।